Namaste everyone. Myself Vaibhu Lakshmi Jala. I'm an international world medalist and an Indian contortionist. So, today we are going to learn how to do chin stand. So, chin stand means we have to stand on our chin. So, it's like this is our chin and we will do some postures on our chin. So, let's start now. If you are a beginner, then how we are doing start? So just first come on your knee. Make sure jab aap niche jaate ho, so fold your fingers and put it under your shoulder. Shoulder ke under rakho and then slowly chin ko floor pe mat pe rakhna hai. जब आप मैट पे रखते हो एंड इफ योर चीन इज वेरी सेंसिटिव सो आप नैपकिन हैंडकरचीफ कुछ भी यूज कर सकते हो. सो जस्ट पुट योर चीन ऑन द मैट, शोल्डर ऑन योर हैंड्स एंड जस्ट स्टैंड इन लाइक अ पपी पोज. सो आपके लेग स्ट्रेट, नीज बेंड एंड जस्ट स्टैंड इन फॉर फ्यू सेकेंड्स. Now if you are comfortable, little bit push yourself back like this. So your leg should be 90 degree. So it's like this. And just hold it. 1, 2, 3, 4, 5. Now if you are comfortable, just lift your one leg. And just stay there. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly relax. Same thing with the other leg. Do inhale and with exhalation, just hold up. 1, 2, 3, 4, 5. And slowly relax. Now, अगर आपको चीन पे ज्यादा प्रेशर आ गया है so slowly relax during the child pose and stay there for a few seconds. 1, 2, 3, 4, 5 and slowly relax. Now if you are comfortable in this chin stand first step, then now we have to do little bit jump. So it's like we have to pop up our leg. So how to do that? Just same thing, chin on the mat, fold your fingers, put it under your shoulder and just try to lift. Now jab one leg lift kar rahe hum log, so dusre pair se just slowly pop up karenge. So it's like 1, 2, 3, 4, 5 and then slowly relax. Now जब आप pop up करते हो तो मेक श्योर हम लोग को वो चीज ध्यान रखनी है कि जब आप pop up करके नीचे आते हो so direct knee पे मत आओ, हम लोग को अपने toe पे आना है. So if you are not comfortable in this pop up और जस्ट किकिंग योर सेल्फ अप, सो आप ट्राई कर सकते हो पहले एल्बो के साथ. सो पहले किकिंग सीखना है कि हाउ टू डू किक. सो डायरेक्ट चिन पे नहीं होता है आपका, सो आप एल्बो के साथ ट्राई कर सकते हो. सो हाउ टू डू दैट, सो एल्बो से बैलेंस को मेजर कीजिए, देन फिंगर्स ओपन एंड जस्ट सेम थिंग अभी लीविंग चेन स्टैंड. जस्ट लिफ्ट योर वन लेग अप, अनदर लेग स्ट्रेट एंड जस्ट डू पॉप अप एंड लर्न. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ ये टाइम करने के हमें ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर डूइंग पॉप अप डोंट कम ऑन योर नी लाइक दिस, इफ इट हर्ट योर नी. सो हमें अपने टॉप पे वापस आना है. सो आई थिंक now you guys understand that how to do pop up with your leg. So now if you are comfortable,
and it's a chain that now we are trying to hold that. जितनी ज्यादा सेकेंड्स तक आप होल्ड करते हो उतना अच्छा है आपके बैक के लिए, आपकी चीन पे प्रेशर आएगा. सो इट्स लाइक इन्वर्जन पोजेस, इट विल इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन ऑन योर फेस एंड इट्स अ वेरी गुड फॉर योर ग्लोइंग स्किन. सो लेट्स डू. सो सीनिंग जस्ट मेक श्योर प्रॉपर चीन ऑन द फ्लो. Fold your fingers, put it under your shoulder. Look straight as much as you can. Don't come on your nose. जब आप नीचे जाते हो like this. So put your chin. Don't put your nose like this. Otherwise your nose will hurt. So make sure that you are on your chin and chest. So let's do. Do inhale. And up. And slowly relax. So जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो इट विल इम्प्रूव योर बैक स्ट्रेंथ एंड बैक बेंडिंग एंड एज वेल चीन स्ट्रेंथ. सो उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है. सो ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा आप चिन स्ट्रेंथ को होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करने की ट्राई कीजिए. नाउ आफ्टर डूइंग चिन स्ट्रेंथ इट इज कंपल्सरी टू डू चाइल्ड पोज. सो यू आर सिटिंग इन अ वज्रासन एंड वी कैम बैक फ्रॉम लाइक दिस. सो हमें वापस नहीं आना है, ऐसे ही चिन स्ट्रेंथ में से डायरेक्ट चाइल्ड पोज में जाइए एंड स्टे देयर रिलैक्स्ड. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एंड देन स्लोली रिलैक्स्ड. आई होप सब लोग को पता चल गया होगा कि कैसे चेन स्ट्रेंथ करना है एंड उसके बेसिक स्टेप्स क्या है. फिर भी अगर आपको कुछ नहीं पता चलता है सो यू कैन डू कमेंट्स वीडियो के नीचे. एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो प्लीज सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नमस्ते.